खान जनाब सियासत नहीं आती, खान सियासत नहीं आती। उस्मान बज़दार साहब ने भी चस करा दी है, उन्हें कहा जी मुल्की मुफाद तो अगे तो इमरान खान तो अगे मैं कुछ भी नहीं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सरकार, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सरकार? आज दिन थोड़ा जहा बिजी सी ते तुहाडे भरा ने आंदे जरा चेक किया अपना, फिर न्यूज़ां शूज़ां सुनिया ने, बड़ी गहमा गमी है, बड़ी हलचल है। तो काफ लीग ने जनाब हुकूमत का साथ देने का ऐलान करता है, उस तो बाद जनाब एम क्यू एम भी राजी हो गई है एक अद्धी वजारत लैके, तो सरदारी साहब को बुखार चढ़ गए हैं। लेकिन उस्ताद जी एक तुम कम की गल दसा जी मैं अभी समझ आई है कि खान की हुकूमत स्टार्ट हुई है ना, तो बड़े बंदे कहते सन कि खान को जनाब सियासत नहीं आती, खान को सियासत नहीं आती। तो बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया, पूरी दुनिया ने क्रिटिसिज़म किया, नुक्ताचीनियाँ की, स्पीड नहीं है, ये नहीं है, वसीम अकरम प्लस लटरम पटरम अगे पिछे बड़िया गल्ल की। लेकिन यकीन मनो अज मैं समझ आई है कि बुज़दार साहब को वज़ीर आला क्यों बनाया गया। तो उम्मीद है कि अज तुहानू भी इस गल का जवाब मिल गया होना कि अपना खान साहब ने वज़ीर आला क्यों रखा गया, क्यों डिफेंड किया, तो की ख्याल है फिर खान और सियासत आती है कि नहीं आती। तो अल्लाह तला रखे खैर के अदम अतमादी तो हो गई है, तकरीबन सात एक दिनों तक मेरे ख्याल में वोटिंग हो जाएगी, तो मजीद इंशाअल्लाह चानण तो खान की सियासत का फिर हो जाएगा। यकीन मानो कि वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब ने भी चस करा दी है, उन्हें कहा जी मुल्की मुफाद तो अगे तो इमरान खान तो अगे मैं कुछ भी नहीं। तो है जे भाई जनाब इस्तीफा लो सरकार। तो बाकी रह गए जो अपनी होश संभाली है ना, तो मैं जो तकरीबन छेवीं सत्तवीं अठवीं पढ़ता हाँ हट, तो उस टाइम जनाब अपना परवेज लाई साहब साढ़े स्कूल भी तशरीफ लियाए सन, बड़े अच्छे तरीके उदो बंद होश ही होंगी है सारी, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम उन्होंने बहुत अच्छे सन, लोंग टर्म पॉलिसियां सन उन्होंने सारिया, तो वो बड़िया अज तक फिंगर टिप ने मनु तुम याद ही होगा 1122 ले लो या 1124 ले लो, उस तो बाद पंजाब कार्डियोलॉजी सिस्टम या सारे जिन्हें भी मामलात ने बड़िया लंबी पॉलिसियां ने, बड़ा अच्छा वर्क रहा इन्हों का। तो आने वाला टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान वास्ते अच्छा होगा, दुआ होगा जी।